खबर नौकरी ढूंढ रहे हर किसी के लिए जरूरी है। ये खबर हर किसी की आंखें खोलने वाली है। ये खबर आपको सतर्क करने वाली है। सरकारी नौकरी में कैसे चल रहा है माफिया राज? कैसे माफिया कर रहे हैं नौकरी का मोल भाव? कैसे सरकारी सिस्टम में माफिया लगा चुके हैं सेन? जी हाँ, जो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर शायद आप भी चौंक जाएंगे और आपका भी सरकारी सिस्टम पर से भरोसा उठने लगेगा, क्योंकि बिहार में माफिया आपकी नौकरी पर सीधे सेंधमारी कर रहे हैं और पैसे के बल पर नौकरी देने की गारंटी कर रहे हैं। खबर न सिर्फ सरकार की आंखें खोलने वाली है बल्कि आपको भी सतर्क करने वाली है। बिहार में शिक्षा माफिया बांट रहा नौकरी। 3.5 लाख में बना रहा डाटा एंट्री ऑपरेटर। बेल्टॉन की बहाली में कर रहा सेंधमारी। अभ्यर्थियों को फोन पर मिल रही नौकरी की गारंटी। परीक्षा से पहले ही शुरू हुआ सेटिंग का खेल। बेल्टॉन में उचित पहुंच की गारंटी दे रहा माफिया। न्यूज 18 करेगा ऐसे ही माफिया का पर्दाफाश। मामला बेल्टॉन से जुड़ा है जिसके तहत लगभग 10,000 डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। वैकेंसी आते ही 1.25 लाख से ज्यादा छात्रों ने टैप पोस्ट के लिए फॉर्म भर दिया, जिसकी परीक्षा भी शुरू हो चुकी है। पर हैरानी की बात तो ये है कि परीक्षा से पहले ही अभ्यर्थियों को शिक्षा माफिया फोन कर पक्की नौकरी की गारंटी दे रहा है। कई अभ्यर्थियों के पास लगातार मोबाइल नंबर 9771755286 से फोन पर ऑफर आ रहा है। फोन कर रहा माफिया खुद को जगन्नाथ सिंह बता रहा है। काम कराने के लिए इंटरव्यू दीजिएगा तो काम का जुगाड़ है। जो आप हम लोग जिला में आए हैं कभी ना? जी जी आए हैं। हाँ अच्छा, तो काम होगा। रीट बता देना 3.5 लगेगा। पहले डॉक्यूमेंट जमा कर देना होगा, रिटर्न में नहीं लिया जाएगा पैसा। जी जो कंप्यूटर टेस्ट जब लेगा हिंदी अंग्रेजी का टाइम, जी उस समय पैसा लगेगा 50,000 रूपया। जी 1,10,000 रजिस्ट्रेशन है। उसमें क्राइटेरिया फिक्स होगा कि इतना पॉइंट पर रिजल्ट बनेगा। तो बिना ये बात नहीं कि आपसे छोड़िए दूसरे की बात बीमारी टाइप नहीं मरीज करके अच्छा मार्क मिला दिया जाएगा, डेबिट बनेगा। जी तो उस समय लग करके जिन दिन हमको भी बीमारी दिया जाएगा डेट बढ़ा दिया जाएगा। रिटर्न का रिजल्ट निकल जाने के बाद 50,000 लेना पड़ेगा। 50,000 रिटर्न, 50,000 के कंप्यूटर। जब नीट पर रिजल्ट चलेगा देख लीजिएगा नेट पर, उसके बाद बाकी पैसा देना पड़ेगा। ये बता दे रहे हैं जो टोटल पैसा सर कितना लगेगा, टोटल कितना लगेगा? 3.5। ऑडियो वायरल होने के बाद परेशान अभ्यर्थियों ने इस बाबत सीधे न्यूज 18 से शिकायत की और ऑडियो क्लिप भी उपलब्ध कराया गया, जिसके बाद नौकरी लगाने वाला माफिया खुद ब खुद बेनकाब हो गया। यहां तक कि NMCH के पास अपने आवास पर भी बुलाने को तैयार हो गया। बोले बेल्ट्रॉन में नहीं मुलाकात होगी? बेल्ट्रॉन में बारी आदमी जाकर बैठेगा, वहाँ से आपको बात करना था। अच्छा डेरा पर बीमारी दीजिए, काम कराएं। हम बेल्ट्रॉन के स्टाफ नहीं, हम आदमी है मेरा काम करता। ओ, तो हम नहीं, विनय जी बताइए, कोई अधिकारी है इसलिए उनका सेटिंग है? हम तो अधिकारी है, उसी से मैं काम देंगे सर। सर आप तो हम कोई दिक्कत नहीं, हम तो कल कहाँ पर मिले सर आपसे? आप हम रहते हैं नालंदा मेडिकल के आगे, बहुत सारा रोड आदर सुहासिन कॉलोनी है, उसी में रहते हैं। इधर आइएगा तो हम रिपीट चल कर बन जाए। अच्छा, नौकरी की गारंटी देने वाला वायरल ऑडियो और न्यूज 18 की तफ्तीश में इस बात की पुष्टि के बाद अभ्यर्थियों का तो सरकारी नौकरी से भरोसा ही उठ गया है। मैं तो यही कहूंगा, सरकार के संरक्षण में ही माफिया ये फल फूल रहे हैं, कहीं न कहीं सरकार से मिली भगत है। और हम लोग बहुत आहत हैं, बता नहीं सकते हैं। 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं। बिहार में कोई भी वैकेंसी निकलती है तो ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बिना माफिया के मिली भगत से
सभी सीटें पहले ही बिक जाती है, तो हम जैसे गरीब छात्र कहाँ जाएंगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर की परीक्षा 3 चरणों में ली जा रही है, यानी पहले रिटन टेस्ट लिया जा रहा है, इसके बाद कंप्यूटर टेस्ट, फिर वाइवा। और फोन करने वाला माफिया भी रिटन टेस्ट के लिए 50,000, कंप्यूटर टेस्ट के लिए 50,000 और फाइनल रिजल्ट के लिए कुल 3.5 लाख की मांग कर रहा है। यानी 3.5 लाख रुपया दीजिए और बेल्ट्रॉन में नौकरी हासिल कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि इस ऑडियो के सामने आने के बाद, न्यूज 18 पर खबर दिखाई जाने के बाद, शायद सरकारी अधिकारी की नींद खुले और निश्चित रूप से ऐसे नौकरी लगाने वाले माफियाओं पर शिकंजा कसे, ताकि प्रतिभा पलायन नहीं हो और मेरिट की हत्या भी नहीं हो सके।